एंड नमस्ते प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। और ये देखिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबू को नींद लगा है, बाबू सो रहा था तो अभी सो के उठना नहीं चाह रहा है, इसको नींद लगा हुआ है, इसको तैयार कर दिए थे और हम लोग भी तैयार हो गए हैं, हम और करण और बाबू है। तो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए। और अभी बहुत तेज धूप है, ये देखिए इतना धूप में जाना पड़ रहा है अभी हम लोगों को दोपहर में। ये देखिए कितना तेज धूप है, हम लोग निकलते हैं। और अभी फ्रेंड हम लोग आ गए नानी के यहाँ, और बारिश हुआ था तो देखिए इधर कितना पानी भरा हुआ है। उधर कृष्णा भी पहुँचे हुए हैं, कृष्णा का भी नानी घर है तो पहले ही आ गए थे कृष्णा। ये देखिए इधर बाबू खेलने के लिए आज जगह नहीं मिलेगा, पिछला बार यहाँ खेल रहा था। और इधर दीदी सब अभी खाना बना रहे हैं। और इधर फ्रेंड इधर नानी है, सब नानी को ही देखने के लिए आए हम लोग अपनी नानी के यहाँ जो पिछले बार आए थे। नानी का तबीयत खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, मम्मी 2-4-5 दिन से यहीं पे आए हुए थे तो अभी हम लोग भी आए हैं। इधर देखिए बाबू कैसे मुंह बना रहा है, जीभ निकाल कर बतवाई। और इधर देखिए नानी है जो कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रखा है, तो अभी नानी सोए हुए हैं और खाना वाना कुछ भी नहीं खा रहे हैं, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए मम्मी सब लोग आए हुए थे। तो बैठे हैं, बाबू खेल रहा है दादी के साथ। और इधर मौसी है मम्मी की बहन, तो हम भी अभी नानी को देखने के लिए आए हम और करण और बाबू। इधर देखिए नानी अभी कैसे, फ्रेंड हम लोग चल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ कंचन है और हम मम्मी भी यहीं पे कई दिनों से आए हुए हैं। इधर अभी बहुत अच्छा हवा चल रहा है, पेड़ सब है देखिए, तो बाबू को मज़ा आ रहा है इसलिए हम इधर आए हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा हवा लग रहा है। बाकी उधर खाना वाना बन रहा है, बाकी बहुत सारे आदमी सब आ रहे हैं नानी को देखने के लिए। तो आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। और देखिए अभी नानी के साथ क्या होता है, मम्मी सब तो बैठे हुए हैं, मम्मी अपनी मम्मी के पास कई दिनों से आ करके, तो इसीलिए सब लोग मिलने आ रहे हैं। नानी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है इसलिए सब लोग मिलने आ रहे हैं नानी से, तो हम लोग भी आ गए हैं आज दोबारा क्योंकि 1 बार पहले आए थे पर इस बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो इसलिए हम लोग भी आ गए। इधर है आयुष कुआ नंदनी जो कि भाग रहे हैं, उनको शर्म लग रहा है। तो ये देखिए उधर चली गई हैं, छोटी सी है जो कि बुआ लगेगी इसकी। आज का ब्लॉग अभी फ्रेंड हम चल रहे हैं घर क्योंकि शाम हो गया, फिर जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और इधर नानी देखिए अभी सो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, और बहुत सारे घाव हो रहा है नानी को। ये देखिए पूरा चमड़ी सब छिला रहा है नानी जी का, ये देखिए किस तरह से हो रहा है आप सभी लोग को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड पूरा जितना चमड़ी सब है बहुत ज़्यादा छिला रहा है, बहुत इनको तकलीफ हो रहा है, पर देखिए जो भगवान का मर्जी रहेगा वही तो होगा। और इधर देखिए हाथ सब में बहुत ज़्यादा हो रखा है घाव घाव। तो फ्रेंड अभी लेट हो रहा है, बारिश भी होने वाला है, तो अभी हम लोग चलते हैं और वहाँ कंचन अकेले हैं, तो आप सभी लोग ब्लॉक में बने रहिए। तो अभी हम सबको प्रणाम उन्नाम कर लेते हैं। इधर देखिए बादल पूरा हो गया है, शाम हो गया, हम लोग खाना वाना भी खा लिए हैं और हम लोग निकलते हैं। और अभी फ्रेंड देखिए जा रहे हैं, मम्मी लोग यहीं पर हैं, मम्मी नहीं जाएंगे अभी, नानी का तबीयत नहीं सही है तो मम्मी लोग यहीं पर और हम लोग चलते हैं। और अभी फ्रेंड हम लोग आ गए हैं घर पर, इधर कंचन मैगी बना रहे हैं। इधर बाबू देखिए सो गया था रास्ता में पर अभी उठ गया है ना, आ गया ना घर अपना, है ना। और हमें और कहीं अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा लगता है इसलिए हम आ गए हैं। और वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ कंचन अकेली थी तो इसलिए आ गए हैं। तो अब सब लोग तीनों रहेंगे और बारिश भी होने वाला है, तो इधर देखिए सब पल्ली सब बिछा हुआ है आंगन में। और अभी शाम के 6:30 हो गए, ये देखिए। एंड गुड मॉर्निंग, और अगले दिन हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, अगले दिन नहीं रात में ब्लॉग शूट कर रहे हैं। आप लोग देखे हुए कल हम नानी के यहाँ गए थे, नानी का बहुत सारे वीडियो बनाए थे क्योंकि नानी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था और लास्ट टाइम था नानी का। तो कल तो ठीक थी तब, पर भी ऐसे तो 1-2 महीना से खाना वाना कुछ भी, 10 दिन से बिल्कुल खाना वाना कुछ भी नहीं खा रहे थे, सिर्फ पानी पे थी। पर कल मम्मी बोली आने के लिए देखने के लिए, तो हम भी गए देखने के लिए। और मम्मी तो 10 दिन से वहीं पर थी अपनी मम्मी के पास, तो हम भी कल गए मिलने के लिए। और अभी सुबह में फ़ोन आया है कि नानी अब इस दुनिया में नहीं है, नानी का डेथ हो गया है। तो जब से हम जगे हुए हैं 2-3 बजे से ही नींद नहीं आ रहा है, और यहाँ पे अकेले हैं, सिर्फ बाबू है, जैसे कि बाबू सो रहा है और कंचन है, मम्मी तो वहीं पे है। तो देखिए हम लोग जा पाते हैं कि नहीं, बारिश भी हो रहा है। और देखिए अभी तो अभी शाम के सुबह के 4 ही बज रहे हैं, और सुबह होता है तो देखिए कौन कौन जाता है, फिर जाएंगे। तो आप सभी लोग अगले ब्लॉक में दिखाएंगे कि क्या हो रहा है वह, क्या नहीं।
और बाकी सब नानी का काम किया सब होगा। और उनका एज बहुत, कोई अच्छा काम किए थे जो कि वो बहुत दिन तक जिए, बहुत दिन तक जीवित रहे, क्योंकि उतना उम्र में 115 साल हो गया उनका एज। इतना उम्र में आज के ज़माना में कोई भी नहीं रहता है, पर वो रहे और इतना दिक्कत भी नहीं हुआ। ये 20 दिन से उनको खुद से लैट्रिन उट्रिन नहीं जाते थे, नहीं तो अपने आप से जाते थे वो लैट्रिन कैसे भी पकड़ उकड़ के, और पर अभी नहीं हो पाता, अभी सब बिस्तर पे ही हो रहा था। वही रात में आज अब इस दुनिया में नहीं है नानी, अब चले गए, जब से नींद नहीं आ रहा है। और आयुष की दादी वहीं पे है, तो अभी हम लोग भी जाएंगे, तो आप सभी लोग को अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि कैसे काम के लिए और क्या क्या होता है। तो आप लोग अगले ब्लॉग जरूर देखिएगा।